आप देख रहे गुरु ज्योति न्यूज़। अब बात करेंगे रामदेवरा की, जहां रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस ने अब कड़ाई करना शुरू कर दी है। सोमवार व मंगलवार को पुलिस की तरफ से चलाए गए विशेष अभियान में जो लोग बिना वजह से मुख्य सड़क मार्ग पर इधर उधर घूम रहे थे, उनको पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देने पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने उन सभी को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भिजवाने की कार्रवाई की। इसके अन्य लोगों में भी डर और भय बढ़ गया। गौरतलब है कि रेड अलर्ट पखवाड़े के तहत पुलिस की तरफ से पिछले 3 दिनों से लगातार घूम घूम कर माइक पर अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन इसके पश्चात भी कई लोग लापरवाही बरत रहे थे व मुख्य बाजार सहित अन्य स्थानों पर बिना मास्क के घूम रहे थे। पुलिस की तरफ से चलाए गए विशेष अभियान में 10 लोगों को पकड़कर पोखरण रोड स्थित क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया गया। मंगलवार को भी धार्मिक स्थल व मुख्य द्वार पर उनके आसपास के परिसर में सुनसान व वीरान पसरा नजर आया। गौरतलब है कि 16 अप्रैल के पश्चात से ही सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद है। गुरु ज्योति के लिए ज्योति सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य सरकार की तरफ से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। रामदेवरा धार्मिक स्थल, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा बाजार विराम।